तो दोस्तों इफ्तारी हमारी तैयार हो चुकी है। जमा मस्जिद अपनी नमाज पढ़ेंगे। चलो सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबह के 3:30 बज रहे हैं। पहले से ही मुबारक हो आपको, ये शुरू करते हैं लोग को यहीं से ही सैरी करते हैं। सैरी करने के बाद देखते सैरी में क्या क्या करिए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमें खांसी हो रही है बहुत, रात से बहुत खांसी हो रही है, तो हम पी लेते हैं पापा की शीशी, बहुत ही अच्छी है। तो हमारे घर पे आए हैं रात के 4:15 बजे मेहमान, देखिए कौन थे। ओहो हमारे चिकनी भाई आए हैं। 5:15 बजे जमाते दोस्तों सिद्धार्थ के चल चलते हैं। तो दोस्तों नमाज पढ़ के आ चुके हैं, चलिए आप सोते हैं, मिलते हैं बाद में। सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। सुबह के 11 बज रहे हैं भाई, बहुत ही लेट उठे हैं सोके, क्योंकि 3 बजे के उठे हुए थे। मुंबई तरफ से जुम्मा मुबारक। तो दोस्तों मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है रमज़ान वालों के लिए, जिन जिन्होंने रमज़ान रखा है वो बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने मौसम इतना अच्छा कर दिया कि भाई बहुत ही अच्छा दिखाता हूँ मैं आपको, मौसम कितना सुहाना हो रहा है भाई। तो हम बैठे हैं मार्केट में, सूट की दुकान में, अपनी बकील भाई की दुकान है, बकील भाई अपने ये हैंगे। तो चलिए मैं आपको सूट की दुकान पूरी दिखाता हूँ, बकील भाई ने न्यू ओपन करी है, आप जरूर आए। यहाँ पे एड्रेस मैं आपको दे दूंगा, दिखाऊंगा कहाँ पर है सूट्स। ये देखो सूट करने हैं काफ़ी, और ये भाई ये रास्ता भाई देखो, अब ये प्रवीण कचौड़ी वाला ना सामने, ये प्रवीण कचौड़ी वाले के सामने के अंदर गली में ही दुकान है जस्ट। आप ये इसलिए बैठे हैं क्योंकि आज जुमे की नमाज पढ़ेंगे भाई यहीं पर ही, काफ़ी टाइम से वहीं पे पढ़ रहे थे, तो जुमे की नमाज पढ़ेंगे जामा मस्जिद में। ठीक है दोस्तों चलते हैं फिर। तो हम जा रहे हैं दोस्तों जामा मस्जिद, वहीं पर चल रहे हैं मस्जिद पर भाई, यहाँ से स्टार्ट है। मेन गेट दिखाता हूँ आपको, एक ये वाला गेट है छोटा वाला, ये है मेन गेट भाई जामा मस्जिद, अपनी नमाज पढ़ेंगे चलो। तो दोस्तों नमाज तो पढ़ ली, चलते हम घर पे को, और हमें मिला एक रमजान शरीफ की टाइमिंग का, कौन से पढ़ते हैं, कौन से चालू करते हैं अपना, आज पहला पारा पढ़ेंगे। तो कहाँ से पढ़ लिया, एक पारा पढ़ा गया हमसे भाई, कितना अच्छा हो रहा है रमज़ान वालों के लिए, अल्लाह ने कितनी अच्छी मौसम कर दिया भाई, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज का रोज़ा तो लोगों को ऐसा गुजर जाएगा जैसे कि रोज़ा है नहीं था, ही नहीं। तो मार्केट चलते हैं कपड़े सिलवाने, तैयार है चलो बैठते हैं भैया। तो पहला बैठूंगा तीनों वाइट कलर के भाई, दो के सर पर टोपी, एक के सर पर नहीं है, माफ करना इस बात के लिए। मार्केट दुकान पर कमल टेलर सर के पास ये बस सिलवाएंगे कपड़े, दुकान पे है नहीं बदने काता टाइम लग जाए, हम एक खूनी धाड़वे सारे रह गए, एक जोड़ी दो जोड़ी तीन जोड़ी की ब्लैक पैंट है पजामा, ये कुर्ते पजामा कैफ के है, शर्ट है भाई इसका, हम पैंट शर्ट सिलवाएंगे। तो दे दिया चलते हम घर पे को, नहीं गाड़ी भाई चलो चला उसको, होबू सामने लाल कलर की शर्ट में होबू बैठा। तो घर पे को फिर हम दिवाली वाले जितने भी लोग हैं उन्होंने ये रास्ता दिखा, तो कमेंट में बताए कौन सा रास्ता है, ये देखिए रास्ता। ठीक है कपड़े देगा भाई, नाप आप सब दिए हैं हमारे टेलर कपड़े देगा 28 तारीख को, और कपड़े बहुत ही महंगी होगी, सिलाई 450 रुपये सिलाई मांग रहे हैं, बहुत ही महंगी होगी। मैंने जब सिलवाए थे ना तो 350 रुपये थी ली थी सिलाई के लिए ओनली, 350 रुपये तीन जोड़ी कपड़े सिलवाए थे कम से कम मैंने। बुल भाइयों असर का वक्त होने वाला है, यानी कि तैयारी। ओहो ये अपनी बुलबुल यहाँ पे कर रही है, कौन गाड़ी कर गया इसको यहाँ पे, तो भाई कोई नहीं यहाँ पे, तो छोटा है तो बेचते हैं, उधर भी कोई नहीं है भाई, और पानी का प्लान चालू हो चुका है, लाल बंद है लेकिन पानी का प्लान ओपनिंग हो गई, आप पानी लेना चाहिए यहाँ से आगे ले सकते हैं। अरे नमाज पढ़ना सर की अजान हो चुकी है, ये अपने मिनास भाई है, जैनस भाई है, पीछे तालिब भाई चल रहे हैं, उजैद भाई हेलो करो, मस्जिद आ चुकी है सहाबी लाज जो काफ़ी फेमस है, चलते हैं मस्जिद के अंदर भाई, यहीं से एंट्री होगी यहाँ पे भाई। तो दोस्तों नमाज पढ़ गया है, इधर चल रही है पकौड़ी तली जा रही है। दोस्तों इफ्तारी काटते हैं, पहले देखते हैं तरबूज एकदम लाल हो रहा भाई, सुरख खरबूज भी अपना। तो दोस्तों इफ्तारी हमारी तैयार हो चुकी है भाई, तरबूज है, पकौड़ियाँ हैं मिर्च की, तरबूज खरबूजा है, केले हैं और खजूर है भाई, सुन्नत खुदा अदाए खुदा, और भाई ये कौन सी है पालक की और आलू के साथ में। तो दोस्तों पहली इफ्तारी में आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो टाइम होने वाला है 6:33 पे इफ्तारी है, तो सब तैयारी हो चुकी है, तो चलिए इफ्तारी करते हैं भाई, फिर इसके बाद मिलते हैं नमाज पढ़ने के बाद। हमारी छोटी बहन कह रही है एक सिकंजी नहीं बनी, पापा बोल रहे सिकंजी नहीं बनी, मौसम खराब है, तो रो रही है बेचारी वो करके। तो दोस्तों नमाज पढ़ी है, पियेंगे चाय भाई हमने पी ली, अब चलते हैं दूध लेने, पर हम लोग दूध ले लिया दोस्तों, चलते हैं दोस्तों दूध लेकर आ गए हैं नमाज में, अभी आधा घंटा है अजान होने में, तो चलेंगे भाई जल्दी से, क्योंकि आज 8:15 बजे जमात है, कल 8:30 बजे होती, लेट हो गई थी, हो जाती है पहले दिन, तो चलेंगे भाई जल्दी से, मिलते हैं बाद में नमाज।
तो दोस्तों तरावी पढ़ के आ चुके हैं भाई, आज 4:30 पारे पढ़ाए थे हाफिज जी ने, कल 4 पढ़ाए थे, आज 4:30 पढ़े हैं। बहुत तेज भूख लग रही है भाई, खाना खाएंगे उसके बाद मुलाकात करेंगे आपसे। तो खाना पीना हो चुका है, इस ब्लॉग हम ये पे खत्म करते हैं। आई होप कोई ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, आगे भी वीडियो मेरी शेयर करें। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी। अल्लाह हाफिज़।